जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है और आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल स्टेलस करेंगे। किताबें और जो वो कब्रें होती हैं, कब्र होती हैं जो साउथ में पाई जाती थी, आखिर वो हमसे क्या कहती हैं, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं। इन्हीं से तो हम जान पाते हैं अपने हिस्ट्री के बारे में। पर उससे पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये चैनल यूपीएससी, एसएससी जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हैं, और मेनली 4 सब्जेक्ट्स मैं इस चैनल पे बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा और इतने बेहतरीन तरीके से कवर कराऊंगा आपको भी अच्छा लगेगा, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। मैं चाहता तो इन चारों चैप्टर जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, एक एक रेफरेंस बुक पकड़ लेता, एक एक स्टैंडर्ड बुक्स पकड़ लेता एंड उधर से पढ़ाना शुरू कर देता। कई सोर्सेस और मिल जाते हैं, इंटरनेट पे लाखों सोर्सेज हैं पढ़ाई करके, जो भी मैंने पढ़ाई की है इसमें वो आपको पढ़ा सकता था। पर ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं ना कि इसमें आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप फाड़ देंगे, पर अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप को उतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर दिक्कत आएगी ज़रूर कि जो बच्चों ने अपना बेसिक स्ट्रांग किया हुआ है उनको एडवांटेज होगा, उनको एक एडवांटेज होगा। इसलिए मैंने क्लास 6 से एनसीईआरटी पढ़ानी शुरू की। क्लास 6 पे पढ़ाते हुए मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, मेरे को दोबारा ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 6 की वजह ना तो एक धारणा रहते हैं, बच्चे सोचते हैं यार कर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी रहें यूपीएससी और छठी की किताब हम पढ़ेंगे, नहीं यार अजीब सा लगेगा। जब आप 6 में थे तब तो आपने किताब पढ़ी नहीं, बच्चे ये सोचेंगे तो आप क्यों पढ़ेंगे, है ना। पर ये गलत है। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, अच्छा रैंक लाना है, अच्छे से इन टॉपिक्स को समझना, अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को समझना है, तो इन सब्जेक्ट्स की बेसिक्स आपको समझनी पड़ेगी, बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। एनसीईआरटीज़ का यही मेरा उद्देश्य लाने का कि आपके बेसिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर सकूं। जैसे जैसे एनसीईआरटीज़ कंप्लीट होती जाएगी हम स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे थोड़ा डीपली उन सब्जेक्ट को समझेंगे, कई रिसोर्सेज से मैं आपको उन सब्जेक्ट्स को समझाऊंगा, चाहे इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी तो आपकी इतनी बेहतरीन मैं कर दूंगा, इन दो सब्जेक्ट्स में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हिस्ट्री एंड पॉलिटी में भी मैं मेहनत करूंगा, इनके भी लेक्चर्स लाएंगे, वो फ्यूचर प्लान्स हैं। पर करंट में आप प्लीज़ एनसीईआरटी मेरी क्लास देखिए, आपको अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन है ही, आप उसमें बता सकते हैं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। कुछ और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है तो वो मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं मोस्टली। जैसे ऐसे सी यू पी एस सी हो गए, एन डी ए, सी डी एस, स्टेट पी एस सी, पी सी एस, तो आप समझ सकते हैं कि इनका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा होता है इन सब्जेक्ट्स का। तो हम क्यों नहीं इन सब्जेक्ट्स को एकदम बेसिक से पढ़ें कि मज़ा सा आ जाए एंड इंटरेस्ट भी आएगा, एक इंटरेस्ट पैदा कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का हम चैप्टर शुरुआत करते हैं हिस्ट्री का, चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। किताबें और कब्रें कह सकते हैं बरियल्स को, मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, वो हमसे क्या कहती हैं, हमें इन चीज़ों से अपनी हिस्ट्री के बारे में क्या पता चलता है, ये चीज़ें हमें कैसे हमारे हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बुक्स में मेनली हम वेदास के बारे में बात करेंगे। वेदास कौन कौन के, 4 तो वेदास होते थे, पहले आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्वेद, ये कुछ वेदास हैं। पर हम मेनली जो इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा वो ऋग्वेद पर रहेगा, बिकॉज ऋग्वेद इज द फर्स्ट वेदा जो लिखी गई थी। एंड ये बरियल साइट्स हैं, इस इमेजेस में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की बरियल साइट्स मिली थी। ये जो स्टोन्स दिख रही हैं मेगालिथिक स्टोन्स हैं, यहाँ पे लोगों को गाड़ के एक ताबूत सा बना दिया जाता था
एंड ये पत्थर गाड़ दिए जाते थे, जनरली डेक्कन डेक्कन रीजन में मिलता था एंड साउथ रीजन्स में मिलते थे ये ऐसे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, द ओल्डेस्ट बुक नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सपोज टू बी दैट ऑफ वेदा। ओल्डेस्ट बुक्स जो हम जानते हैं, ये जो हमने देखी है इस दुनिया में, उसमें से एक वेदास भी हैं। ये वेदास 3,000 साल पहले लिखी गई थी, दे वर रिटन अबाउट 3,000 ईयर्स बैक एंड आर दी अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स अवेलेबल। 3,000 साल पहले लिखी गई थी और ये अभी तक हमें पाई गई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल हैं 3,000 साल तक की, अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स अवेलेबल यहीं तक की हैं, इससे पहले का हमारे पास नहीं है। थोड़े बहुत थे पर एक प्रॉपर नहीं था कुछ भी। जैसे मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशंस में भी बताया था कि कुछ स्क्राइब्स होते थे जो पढ़ना लिखना जानते थे, पर वो उतने नहीं थे, इसलिए हमें उसके ज़्यादा एविडेंस मिले नहीं थे। एंड ये हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बाद ही शुरुआत हुई थी, यानी आज से आप मान लीजिए 1500 BC के आसपास इनकी लिखने की शुरुआत हो चुकी थी, वेदास की रचना शुरू हो चुकी थी। द वेदास, द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज, जो शब्द वेदा है इसका मतलब नॉलेज होता है, ज्ञान। देयर आर फोर वेदास जो मैंने आपको बताए थे, चार तरीके के वेदा होते हैं। पहला है ऋग वेदा, दूसरा साम वेदा, तीसरा यजुर्वेदा एंड चौथा अथर्व वेदा। ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, ऋग वेदा सबसे पुरानी लिखे जाने वाली, रचना की जाने वाली वेदा है। इट वॉज कम्पोज अबाउट 3,500 ईयर्स अगो, इसे 3,500 साल पहले लिखा गया था, यानी जनरली मैंने आपको बताया 1500 BC के आसपास इसे लिखा गया था। ऋग वेदा वॉज बींग कम्पोज इन ओल्ड वैदिक संस्कृत, ऋग वेदा में जो लिखा गया था वो जो भाषा थी वो ओल्ड वैदिक संस्कृत में इसे लिखा गया था, इसकी रचना ओल्ड वैदिक संस्कृत में की गई थी ऋग वेदा की। इट इंक्लूड्स मोर देन 1,000 हाइम्स, हाइम्स का मतलब होता है भजन, भजन आज भी लोग करते हैं। इट इंक्लूड्स मोर देन 1,000, ऋग वेदा में हजार हजारों मोर देन हजारों 1,000 हाइम्स हैं, मोर देन हजारों क्या बोल रहा हूँ, मोर देन 1,000 हाइम्स हैं, भजन हैं ऋग्वेदा में जो लिखे गई हैं। हाइम्स मतलब भजन, जो हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए जो भजन किए जाते हैं। ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हियर्ड रैदर देन रीड, ऋग्वेदा में जो भजन हैं इसे हम रिसाइट करते हैं, सुनते हैं रीड करने बजाय, क्योंकि आप भजन पढ़ते थोड़ी हैं, आप भजन आप पढ़ते थोड़ी हैं। अब किसी भगवान की भी अगर आप भजन सुनते होंगे तो पढ़ी थोड़ी जाती है, अगर पढ़ने लग गए तो ऐसा लगेगा कि एक नोवेल उठा के पढ़ रहे हैं या कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं बस उसे पढ़ रहे हैं, उसे गाया जाता है, उसे सुना जाता है, इसलिए हमें जब भजन सुनते हैं तो अच्छा लगता है। अगर उसे पढ़ा जाता तो आप समझ सकते कितना बोरिंग सा लगता। दीज हाइम्स वर कॉम्पोज बाई सेजेस, ये जो हाइम्स ये जो भजन थे ये ऋषियों ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए थे, ऋषि मुनियों ने इन हाइम्स को भजन्स को लिखा था, ये रहे लिख रहे हैं ऐसे ही बैठ के वो हाइम्स वाइम्स लिखते थे। दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये जो भजन थे ये कई भगवान और माता भगवान को खुश करने के लिए लिखे जाते थे एंड इन्हें गाया जाता था उन्हें खुश करने के लिए। मोस्ट ऑफ दी हाइम्स आर कंपोज टॉट एंड लर्न्ड बाय मैन, मोस्ट ऑफ दी जो भजन थे हाइम्स थे वो मैन मैंस के द्वारा लिखे जाते थे, पढ़े जाते थे, पर जनरली ऐसा नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट यहाँ पे मैन ही थे, पर कुछ वुमेन्स भी थी जिन्होंने हाइम्स लिखी हैं। दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड सच एज इंद्र, ये जो भजन है ये कई डिफरेंट गॉड्स को खुश करने के लिए लिखे जाते थे, जनरली तीन जो इनके मेन गॉड थे, जैसे इंद्र द गॉड ऑफ वॉरियर, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, वरुण द गॉड ऑफ स्काई एंड मैनी अदर। जनरली इन तीन एंड कुछ और के भगवान के लिए भजन लिखे जाते थे एंड इन्हें गाया जाता था जिससे वो खुश हों। दीज हाइम्स वर रिसाइटेड एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर अंटिल दे वर रिटन डाउन, ये जो हाइम्स हैं रिसाइट किए जाते थे एक दूसरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किए जाते थे जब तक ये लिखे नहीं गए। अब जो आज हम भजन पढ़ते हैं ये कितने सालों से चलते आ रहे हैं,
पर वो जिस भाषा में आज वो भजन गाए जाते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि वो वही भाषा में वो पहले भी लिखे गए हों। नहीं, ये एक भजन चलते आए जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जब तक वो लिखे नहीं गए एक फॉर्मेट में। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि ओल्ड वैदिक संस्कृत में वैदिक ऋग्वेदा की रचना हुई थी, ऋग्वेदा को ओल्ड वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। तो आइए हम देखते हैं एक बार संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है जिसे हम इंडो यूरोपियन कहते हैं। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज एसमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। ये जो इंडियन लैंग्वेजेस होगी, एशियन लैंग्वेजेस एंड जो यूरोपियन लैंग्वेजेस होगी, ये इसी फैमिली का पार्ट है जिसका पार्ट संस्कृत है। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। ये एक फैमिली का पार्ट इसे कैसे क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो एक कॉमन है। जैसे मात्र, संस्कृत में हम कहते हैं माँ को, माँ हम हिंदी में कहते हैं, एंड मदर हम इंग्लिश में कहते हैं। इसमें आप सिमिलैरिटीज देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। माँ माँ माँ, MMM। सो देखा आपने। अब आइए आगे चलते हैं। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरियंस ने ऋग्वेदा को आखिर पढ़ा कैसे, उन्होंने कैसे जाना कि है। ये कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट पाई गई थी, अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ये मिला है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बर्क बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। कश्मीर में पाया गया था 150 साल पहले। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इन ऋग्वेदा। इसको अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट जो लिखने में ऋग्वेदा की जरूरत पड़ती थी, तभी इसकी जरूरत पड़ती थी, एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है इसका। इट इज़ नाउ प्रिजर्व इन अ लाइब्रेरी। ये आज एक लाइब्रेरी में प्रिजर्व है पुणे महाराष्ट्र में। अब ये एक एग्जाम्पल है हाइम्स का, जो हमें पता, हिस्टोरियंस को पता चला था कि अच्छा इस तरीके का हाइम्स वो यूज़ भजन यूज़ करते थे गॉड्स को खुश करने में, को खुश करने में, किसी की बातें बातें भी करते थे। तो यहाँ पे एक कन्वर्जेशन बताई गई है विश्वामित्र एंड रिवर की। विश्वामित्र रिवर पे, विश्वामित्र अपने रथ पे बैठे हुए हैं और वो रिवर की तरफ देख रहे हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। ओ रिवर, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस। आप नीचे आइए जैसे दो घोड़े आते हैं। लाइक टू शाइनिंग काउसेस दैट लिक देयर काफ, जैसे गाय अपने बछड़ों को चाटती हैं। एंड यू मूव लाइक कैरियर्स टू द सी, आप रथ के जैसे चले जा रही हैं, जैसे इंद्र ने आपको पावर दी हो। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अदर। आपके पास भरपूर मात्रा में पानी है और आपकी इच्छा है एक दूसरे से मिलने की। रिवर आती है, वो कहती है वी आर फुल ऑफ वाटर, हमारे पास पूरा पानी है, हम फुल वाटर से फुल हैं। मूव अलोंग द पाथ एंड द गॉड हैव मेड फॉर अस। हम उसी पाथ पे जा रहे हैं जो भगवान ने हमारे लिए तय किया है। एक बार अगर हम बहना शुरू कर दें तो हम स्टॉप नहीं होते, हम रुकते नहीं हैं। तो तुम क्यों प्रे कर रहे हो हमें, ऋषि मुनि विश्वामित्र को कहती हैं रिवर। तो विश्वामित्र कहते हैं ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, कहते हैं वो रिवर को कहते हैं कि कृपया मेरी बात सुनिए। द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज कैरियर्स। मैं विश्वामित्र, एक ऋषि, अपने कैरियर्स अपने रथ पे यहाँ तक आया हूँ। आपसे मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता जब तक आप अपने पानी को मेरे पहिए के नीचे तक नहीं कर सकते, तब तक मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। मतलब इसमें ये कह रहे हैं ये कि जब तक आप अपने आप क्या कीजिए, अपने वाटर को मेरे पहियों तक ला दीजिए, नॉट राइज अबव माई एक्सेस सो दैट आई कैन ईजिली क्रॉस दिस रिवर, क्या, ताकि मैं आराम से इस रिवर को पार कर जाऊँ। तब रिवर कहती है ओके ठीक है, हम आपकी प्रेयर को स्वीकार कर रहे हैं एंड आप इजली इसे क्रॉस कर लीजिए। तो ये एक कन्वर्सेशन होती है इनमें। तो इससे हिस्टोरियंस को कैसे पता चला, आइए हम देखते हैं। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हाइम वॉज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो। हिस्टोरियंस को इन हाइम्स को पढ़ के ऐसा लगा कि जो ये हाइम्स लिखी गई हैं वो उस एरिया में लिखी गई हैं जहाँ पे नदियाँ बहती थी। इसका मतलब वो लोग नदियों के किनारे भी रहते थे एंड वहीं हो सकता है वेदास की रचना भी हुई हो। दे आर ऑल्सो
दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउस वर वैल्यूड एनिमल्स. एंड हिस्टोरियंस को ये भी लगता है कि जैसे जहाँ पे ये ऋषि मुनि रहते थे वहाँ पे उस सोसाइटी में हॉर्सेस घोड़ों और गायों को एक बहुत ही बड़ी वैल्यू दी जाती थी, वो उन्हें वैल्यू दी जाती थी. दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड गाव. तो इसीलिए रिवर्स को हॉर्सेज एंड काउस से कंपेयर किया गया है, हिस्टोरियंस को ऐसे पता चला. एंड ये भी एक हाइम है. अब हमने यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लिया, पर आप इमेजिन कीजिए विश्वामित्र ने ऐसे थोड़ी पढ़ा होगा, उन्होंने एक हाइम भजन की तरह गाया होगा रिवर को बुलाने के लिए. तो इसीलिए आपको कहते हैं, मैंने बताया था कि हाइम्स कभी भी पढ़ी नहीं जाती हैं, उन्हें रिसाइट किया जाता है, मतलब पढ़ा क्या बोलते हैं, सुनाया जाता है या सुना जाता है. वाइल्ड स्टडिंग अबाउट द पास्ट हिस्टोरियंस एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज. हमारे पास्ट के बारे में पढ़ते पढ़ते हिस्टोरियंस को कुछ रिटर्न सोर्सेज भी मिले. दे स्टडीड ऋग्वेदा. मोस्ट ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेदा वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. उन्होंने ऋग्वेदा को स्टडी किया एंड उन्होंने ये भी देखा कि जो भी भजन हाइम्स ऋग्वेदा में लिखे गए हैं वो ज़्यादातर डायलॉग्स के फॉर्म में लिखे गए हैं. आपको पिछले स्लाइड में मैंने विश्वामित्र वाले में बताया, उन्होंने भी डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया था. हिस्टोरियन स्टडी दीज डायलॉग टू अराइव एट कंक्लूजन. हिस्टोरियन जो होते हैं उन इन डायलॉग्स को पढ़ते हैं और एक कंक्लूजन पे आते हैं. जैसे हिस्टोरियंस पिछली स्लाइड में आप जैसे ये देख सकते हैं, इन्हें पता चला था कि जैसे जहाँ पे ये कंपोज किया गया है वहाँ पे नदी बह रही है. ये चीज़ उन्हें पता चली कि वहाँ पे नदी भी थी जहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे. उन्होंने ये भी पता चला कि जहाँ पे ऋषि मुनि सेजेस जहाँ जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ हॉर्सेज एंड काउस को वैल्यू ज़्यादा दी जाती थी. समझ रहे हैं, यहाँ पे हमारा हमें ये पता चला हॉर्सेज एंड काउस की वैल्यूज थी, रिवर्स थी. कई चीज़ें हिस्टोरियंस को इन डायलॉग्स के द्वारा पता चली हैं. आइए फिर हम आगे चलते हैं. अब हम एक बार ऋग्वेदा को देख लेते हैं. ऋग्वेदा व्हाट डज इट टेल अस अबाउट प्रेयर्स एंड बैटल्स. ये हमें प्रेयर्स और बैटल्स के बारे में क्या बताती हैं. मोस्ट प्रेयर्स इन ऋग्वेदा आर फॉर कैटल चिल्ड्रन एंड हॉर्सेज. जो ज़्यादातर प्रेयर्स जो ऋग्वेदा में की गई हैं वो कैटल चिल्ड्रन एंड हॉर्सेज के लिए की गई हैं. एंड चिल्ड्रन में भी मेनली सन्स जो लड़के होते थे उनके लिए, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं जब ऋग्वेदा को लिखा गया था. हॉर्सेज वर योक टू कैरियर्स एंड यूज इन बैटल्स. हॉर्सेस को कैरियर्स के साथ बांधा जाता था ताकि वो इन्हें बैटल्स में यूज़ कर सकें. बैटल्स किस लिए होते थे. बैटल्स एम टू कैप्चर कैटल लैंड पैश्चर वाटर एंड पीपल. बैटल्स किस लिए होते थे. किसी के कैटल ले ली, लैंड पे हथियार ले लिया. पानी के लिए होते थे बैटल, लोगों को कब्जा करने के लिए होते थे. अ पोर्शन ऑफ द वेल्थ वॉज यूज फॉर परफॉर्मिंग यजनास और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स वर पुट इनटू द फायर और गॉड इंक्लूडिंग घी ग्रेन्स एंड रेयर एनिमल्स. जो भी बैटल्स में विजेता होता था वो क्या करता था, यज्ञ करता था भगवान के सामने, मतलब अग्नि के सामने, एक फायर अग्नि जैसे हवन कुंड होता है ना वैसे. एंड वो उसमें कुछ जो भी उसने कुछ जीता है उसमें से वो कुछ ऑफर कर देता था भगवान को, सेक्रीफाइस कर देता था. यज्ञ के यहाँ पे सेक्रीफाइस से हम डिनोट करते हैं उस फायर में, जिसमें ज़्यादातर इंक्लूड क्या क्या हो सकते थे, घी हो सकते थे, ग्रेन्स एंड रेयर एनिमल्स. एनिमल्स को भी यहाँ पे, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एलिमेंट्स एनिमल्स की भी बलि दी जाती थी, बलि ही हम कहेंगे. ये देख सकते हैं इस तरीके से घोड़ों को कैरियोर्स के साथ बांधा जाता था और रथ ये यूज होते थे, इन्हें ही हम रथ कहते हैं. एंड इस प्रकार के यज्ञ होते थे जो यजनास फायर कर सॉरी इन फायर में अपने सेक्रीफाइसेस डालते थे जो भी इन्होंने बैटल से जीता है उसमें से एक पोर्शन. अब हम इसमें एक बार देखते हैं कैटल हॉर्सेज एंड कैरियर्स. कैटल हॉर्सेज एंड कैरियर्स के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. देर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेज. यहाँ पे जो ऋग्वेदा में जो ज़्यादातर प्रेयर्स की गई, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, कैटल्स के लिए एंड हॉर्सेस के लिए मेनली की गई है. चिल्ड्रन में भी स्पेशली कौन से, सन्स. हॉर्सेस और योक टू कैरियर्स एंड दे वर यूज इन बैटल. हॉर्सेस को घोड़ो सॉरी रथ के साथ बांध दिया जाता था एंड उन्हें बैटल्स में यूज किया जाता था. विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल. बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पैश्चर एंड फॉर गोइंग हार्डी क्रॉप दैट रिपेंड क्विकली. लैंड के लिए यूज होता था जहाँ पे वो ग्रो कर सके कुछ क्रॉप्स सच एज बार्ली. सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर. सम बैटल्स कुछ बैटल्स ऐसी होती थी जो पानी के लिए होती थी, लोगों को कैप्चर करने के लिए होती थी, दास दासी बनाने के लिए होती थी. आगे ये शब्द आएंगे.
सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज कैप्ड बाय द लीडर्स. जो कुछ वेल्थ वो लेते थे वो लीडर्स ले लेते थे, सम दे देते थे वो प्रीस्ट को, एंड रेस्ट जो भी बचता था वो अमंग्स द पीपल वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ यजनास और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इन टू दी फायर. मैंने आपको ये बताया था पिछली स्लाइड में कि कुछ वेल्थ होती है जो वो जीत रखे होते हैं उसमें से ये कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं यज्ञ के द्वारा आग में आहुति दे के, कह सकते आहुति कह सकते सही शब्द रहेगा. दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये भगवान के लिए होते थे. ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी हो सकते थे, ग्रेन, एंड इन सम केसेस एनिमल भी हो सकते थे. बलि जिस एनिमल्स की जब हम देते थे, मतलब हमें पता चल गया कि उस टाइम पे एनिमल्स की भी बलि दी जाती थी. मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, ज़्यादातर लड़के ही इस वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे. देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी उस टाइम पे, क्योंकि जब अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ था कि कोई ऐसा नहीं था कि राजा एकदम बन गया, राजा नहीं होते थे. एक आदमी लीडर है अच्छा है तो उसे उठा के राजा का दर्जा दे दिया मान सकते हैं हम. उनकी कोई आर्मी नहीं होती थी, कोई ऐसा नहीं था कि उन्हें वो जगह हथियार लेनी है, वो जगह हथियार लेनी, ऐसी कोई वो परमानेंट एक आर्मी नहीं बनाते थे. बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट, पर असेंबलीज होती थी जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, डिस्कस करते थे मैटर्स ऑफ वॉर एंड पी, युद्ध और शांति की वो बातें बातें करते थे, मतलब डिस्कस करते थे मैटर. दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स. उस टाइम पे जो लीडर्स की चॉइस होती थी, जैसे मैंने आपको बताया राजा, वो उनके स्किल के आधार पे होती थी, उनके ब्रेवनेस के आधार पे हो सकती थी. ये अर्ली वैदिक पीरियड की बात है, मतलब वैदिक पीरियड की जब वैदिक काल की जब शुरुआत हुई थी. आइए अब आगे हम स्लाइड में चलते हैं. वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, देर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मिन्स हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास. दो ग्रुप के इस टाइम पे जो अर्ली वैदिक पीरियड में टू ग्रुप्स डिस्क्राइब हुई थी, पहले थे प्रीस्ट ब्राह्मण जैसे हम कहते थे जो परफॉर्म करवाते थे रिचुअल्स वगैरह, यज्ञ वगैरह परफॉर्म कराते थे, एंड राजास होते थे जो यज्ञ करते थे. राजास डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज पैलेसेस और आर्मीज नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस. उस टाइम पे राजास के पास कोई कैपिटल सिटीज नहीं होती थी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कैपिटल सिटीज़ का मतलब कैसे, जैसे मगध एम्पायर था, मगध एम्पायर की कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र थी जिसे हम आज के टाइम पे पटना कहते हैं. इस टाइप की कोई इनकी कैपिटल सिटीज़ नहीं थी, पैलेसेस और आर्मीज नहीं होती थी, एंड ये टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं करते थे. ठीक है, सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा. जो बच्चे होते थे या उनके जो लड़के होते थे वो डायरेक्ट अपने बाप के बाद पापा के बाद राजा नहीं बन जाते थे. यहाँ पे राजा वही बनता था जिसके अंदर अच्छी स्किल हो, ब्रेवरी हो. टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज अ होल, दो वर्ड्स का यूज किया गया है पीपल और कम्युनिटी एज अ होल के लिए. वन वर्ड और यूज जना विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड द अदर लैंग्वेज. जना होता है लोग, पीपल आम लोग, जो लोग होते हैं. द अदर वर्ड विश, द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, जो विश होती है अदर वर्ड विश है, वैश्य शब्द विश्य आया है, ये आप देख लीजिए. आर्यास कंपोज दी हाइट, आर्यास ने हाइम्स को कंपोज किया था. दसाज एंड दासूस कंपोनेंट्स ओपोनेंट्स ऑफ आर्यास, दसाज होते थे ओपोनेंट्स ऑफ आर्यास, डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. इन्हें ये अधिकार नहीं होता था कि आप सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकें एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस को ये परफॉर्म कर बोल सकें. दासाज होते थे दासा दासी, दासाज इसमें ज़्यादातर औरतें भी होती थी, वुमेंस भी होती थी, हम आगे चल के दासी कहते थे. साइलेंट सेंटिनल, अब हमने यहाँ पे बुक्स के बारे में पढ़ लिया, ऋग्वेद के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था. अब हमें कुछ बरियल्स भी मिली थी जैसे मैंने आपको आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हमें कुछ बरियल्स भी मिली थी डेक्कन रीजन्स में. तो क्या हुआ था, आप देख सकते हैं साइलेंट सेंटिनल द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ. मेगालिथ होते हैं बड़े बड़े रॉक, लिथ का मतलब होता है रॉक एंड मेगा मतलब होते हैं बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े. इमेज में मैं आपको आगे दिखाऊंगा. मेगालिथ स्टोन बोल्डर्स ऑफ ए सिंगल स्टोन और मल्टीपल स्टोन. स्टोन बोल्डर्स होते थे, एक या सिंगल स्टोन के हो सकते थे, मल्टीपल स्टोन. स्टोन्स वर केयरफुली अरेंज टू मार्क बरियल साइट्स. जिस जगह पे बरियल साइट, मतलब उस बंदे किसी भी राज समझ लीजिए किसी भी लोग को अगर दफनाया गया है उस जगह को ये गोल मार्क कर देते थे उन स्टोन से. इट बिगन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 साल पहले इसकी भी शुरुआत हुई थी. मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में ही समझ सकते हैं, जब नॉर्थ में वैदिक काल चल रहा था साउथ में बरियल्स की बात चल रही थी.
प्रिवलेंट थ्रू आउट दी डेक्कन, पूरे डेक्कन एंड साउथ इंडिया में होता था ये, एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़े पार्ट्स में होता था। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सर्फेस, अदर मेगालिथ्स बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। कुछ मेगालिथ्स हैं जो हमें सर्फेस पे दिखते हैं, एंड कुछ मेगालिथिक बरियल्स हैं जो जमीन के अंदर भी हमें मिले हैं। आप ये देख सकते हैं इस इमेज में मैंने कि ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इन्हीं मेगालिथ रॉक्स कहते हैं, कुछ ये रहे, एंड ये एक बरियल बना दिया जाता था जिसमें लोगों को दफना दिया जाता था। अब हम बरियल्स के बारे में एक बार देखते हैं आखिर बरियल्स क्या होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है जो भी ऑब्जेक्ट्स इन इन स्केलेटन्स के साथ जो मिले थे, क्या होता था कि जब बरियल्स जो यहाँ लोगों को दफनाया जाता था किसी शेल्फ में, लकड़ी का कुछ वो जो याद नहीं यार क्या कहते हैं उसे, शेल्फ शेल्फ नहीं कहेंगे, मतलब जहाँ पे उन्हें दफनाया जाता था, तो उनके साथ ना कुछ उनकी चीज़ें भी डाल दी जाती थी। ऐसा लगता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि वो चीज़ें जिसकी थी उसी के साथ डाल दी जाती थी, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सामान उन्हीं को थे। जैसे क्या होता था, इन ब्रह्मगिरी अ स्केलेटन वॉज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स एंड 1 शेल, वेयर एज अदर स्केलेटन ओनली हैड अ पॉट। इससे ही हमें ये पता चलता था कि देखिए एक स्केलेटन था ब्रह्मगिरी में हमें मिला, जिसके साथ हमें 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स एंड 1 शेल मिला, ठीक है। एंड वहीं एक और स्केलेटन मिला जिसके पास सिर्फ एक पॉट था, घड़ा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी थी, कोई अमीर था कोई गरीब था। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे इसमें आर्कियोलॉजिस्ट अस्यूम करते हैं कि जो स्केलेटन के साथ उन्हें कुछ चीज़ें मिली हैं वो पर्टिकुलरली उस पर्सन की ही होंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं ब्रह्मगिरी में 33 गोल्ड, 2 स्टोन बीड्स एंड 1 शेल मिले, एंड वहीं एक अलग पर्सन को एक जब खुदाई हुई उसके स्केलेटन या एक पॉट मिला। ये हमें शो करता है सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, देख सकते हैं आप इसमें इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, एक अमीर था एक गरीब था। दिस शोज द डिफरेंस इन स्टेटस अमंग्स द पीपल, स्टेटस भी बताते हैं, हुवर बड़ी, सम वर रिच एंड सम वर पुअर। कुछ लोग अमीर थे कुछ लोग गरीब थे। समटाइम्स मेगालिथ्स हैव मोर देन वन स्केलेटन। क्या होता था, मेगालिथ्स जो होते थे ये, इनमें क्या होता था, समटाइम्स मोर देन वन स्केलेटन। इट इंडिकेट दैट बिलोंगिंग टू द इट इंडिकेट्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड एट द सेम प्लेस थ्रू अ डिफरेंट टाइम्स। ये क्या होता था इसमें देखिए, कभी कभी आर्कोलॉजिस्ट को जिन्होंने खुदाई की थी उन्हें यहाँ पे एक स्केलेटन से ज़्यादा मिला, तो उन्हें लगता था ये एक ही फैमिली के होंगे, और उसकी वजह थी, देखिए यहाँ पे आप ये होल सा देख रहे होंगे, यहाँ पे उनकी फैमिली का अगर कोई भी मरता था तो उसे वो इस होल से डाल देते थे अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पे जब उनकी डेथ होती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कह सकते हैं वो एक इंडिकेशन देता है कि दे वर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, वो लोग जो एक स्केलेटन से ज़्यादा स्केलेटन जो हमें मिलते थे वो एक फैमिली के हो सकते थे, एंड वो बरीड किए गए थे मतलब दफनाए गए थे अलग अलग टाइम पे। अ स्पेशल बरियल बरियल एट इनाम, इनाम गांव में एक अलग तरीके का हमें बरियल मिला था। आप बताइए इनाम गांव कहाँ है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि इनाम गांव कहाँ है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा ये कहाँ है, पर तब तक आप गैस कीजिए, गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए इनाम गांव कहाँ है। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गॉड, ये एक साइट है जो रिवर गॉड की पास पाई गई थी, और रिवर गॉड एक ट्रिब्यूटरी है भीम रिवर की, भीमा रिवर की। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो, 3600 से 2700 ईयर्स के बीच में इसे पाया गया था। अडल्ट वर जनरली बियरीड इन द ग्राउंड, जो ज़्यादातर अडल्ट होते थे उन्हें ही यहाँ दफनाया जाता था, लेड आउट स्ट्रेट, सीधा लेटाया जाता था, उनका हेड नॉर्थ की तरफ होता था। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउस, यहाँ पे क्या होता था इनाम गाँव में कि समटाइम्स जो बरियल्स होते थे वो घर के अंदर ही होते थे, वर विद इन द हाउसेज, घर के बीच में ही होते थे, उनके ही अंदर होते थे। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, वो जो बर्तन होते थे जहाँ पे फूड और पानी भी रख दिया जाता था डेड के साथ, उन्हें माना जाता था कि जब ये एक ऐसी जर्नी पे निकल चुका है जहाँ पे इसे खाना और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा लोग कहते थे, तो वेसल्स भी रख देते थे पानी फूड और वाटर के साथ वो भर के। द बॉडी वॉज प्लेस इन अ क्रॉस लेग पोजिशन, जो बॉडी वहाँ पे हमें मिली है, जो स्केलेटन मिला था
वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में मिला था, मतलब एक पैर के ऊपर एक पैर करके वो नॉर्थ फेस नॉर्थ में उनका हेड था, एंड ऐसे पे गए थे, पाए गए थे। उनके साथ कुछ बर्तन मिले थे हमें जिसमें खाना पानी भी वो डाल देते थे, तो हमने ये देखा। तो इससे हम देखते हैं कि आखिर इनाम गांव में ऑक्यूपेशन क्या क्या थी। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट बार्ली राइस पल्सेस मी मिलेट्स पीस एंड सीजम। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे सीड्स मिली हैं व्हीट की, बार्ले की, राइस की, पल्सेस की, मिलेट्स की, पीस की एंड सीसम। बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज एज फूड ऑल्सो हैव ऑल्सो बीन फाउंड। यहाँ पे कुछ बोन्स मिले हैं एनिमल्स के, दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोड, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मोंगूस, इन सबको मिले हैं। बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश भी मिली हैं। देर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। ठीक है, ऑक्यूपेशन। अब जैसे आप ये सब पढ़ रहे होंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन जो उनका था, मेनली जो ऑक्यूपेशन वो करते थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनका कुछ ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, मतलब कह सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनके कुछ ऑक्यूपेशन थे इनाम गांव में जो हमें पाए गए थे। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ, अच्छा चैप्टर था, मज़ेदार चैप्टर था, डिटेल में मैंने आपको समझाया है, कोशिश की है मैंने आपको डिटेल में समझाने की। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, इस चैप्टर से आपको कुछ मज़ा आया, क्योंकि हिस्ट्री अब और इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, किंगडम्स आए, किंग्स एंड अर्ली उनके जो के रिपब्लिक्स बने, तो हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, बहुत तगड़ा पढ़ेंगे। आपको अगर ये लेसन से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। तुम आपसे प्रार्थना यही करना चाहूँगा कि आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कि क्या हो कि आप इस स्टार्टिंग की जर्नी में, स्टार्टिंग जर्नी में जल्दी आप जुड़ सकें मेरे साथ एंड आपको मज़ा आए। धन्यवाद, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।